नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को नो इन शॉर्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपने YouTube चैनल के एग्जिस्टिंग कंटेंट्स का फुल बेनिफिट उठा सकते हो, या फिर कैसे उन कंटेंट को आप यूज़ कर सकते हो ज़्यादा व्यूज़ गेन करने में या फिर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करने में। दोस्तों यूट्यूब जो है वो अपना एल्गोरिथम कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है और वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना रहा है, इसीलिए उन चेंजेस को आपको भी अपने चैनल में इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि आप जो है अपने कंटेंट्स का फुल बेनिफिट उठा पाए। लेकिन लेट्स से आपके चैनल में अगर 700 या फिर 800 वीडियोज़ है तो हर एक वीडियो में आप उस चेंजेस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से वीडियोज़ है जो कि अभी भी आपके चैनल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर कौन कौन से वीडियोस है जिसको मैं चेंज करने से वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक सिस्टमेटिक वे जिसको फॉलो करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन कौन से आपके एग्जिस्टिंग कंटेंट्स हैं जिसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर जिसको चेंज करके आप डेफिनेटली एक एडवांटेज ले सकते हैं, व्यूज गेन कर सकते हैं या फिर सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि जितने भी कंटेंट आपने YouTube में अपलोड किया है वो सारे कंटेंट जो है वो अच्छे नहीं है या फिर एक ही लेवल के नहीं है। कुछ कुछ कंटेंट जो है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के है या फिर अच्छे हैं, जो कि अभी भी व्यूज गेन करने का या फिर अर्न करने का पोटेंशियल रखते हैं। एंड कुछ ऐसे वीडियोज भी हैं जिसका जो कंटेंट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है या फिर उनमें इतने पोटेंशियल्स नहीं है। इन कंटेंट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए आप हर एक कंटेंट को लेकर 5 क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या वो कंटेंट या फिर क्या वो वीडियो आपके व्यूअर्स के लिए यूजफुल है, क्या वो इन्फॉर्मेटिव है, क्या वो एंटरटेनिंग है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या वो कंटेंट या फिर वीडियो आपके लिए यूजफुल है, कितना उसमें व्यूज है, कितने लाइकिंग है, कितने डिसलाइकिंग है, कितना एवरेज व्यू टाइम है या फिर वॉच टाइम है उस वीडियो का, क्या वो अभी भी अर्न करने का पोटेंशियल रखता है, कितना अर्निंग उससे अभी तक हो चुका है। इन सभी चीज़ों को आप देख के आप पता लगा सकते हो कि क्या वो कंटेंट, क्या वो वीडियो आपके लिए अभी भी यूजफुल है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंटेंट कैसा है, किस तरह का एडिटिंग है, आपने प्रोडक्शन के लिए अच्छे लाइट का यूज़ किया है कि नहीं, या फिर एडिटिंग किस क्वालिटी का है, साउंड जो आपने यूज़ किया है क्या वो हाई क्वालिटी का है, क्या उसमें नॉइज है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज आपने वीडियो अपलोड कर दिया एंड उसके बहुत दिनों बाद आपको पता लगता है कि उसमें आपने कुछ मेजर मिस्टेक कर दिया है, तो इस तरह का कुछ मिस्टेक्स तो उस वीडियो में नहीं है। इन सभी चीज़ों को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि वो जो कंटेंट है उसका क्वालिटी किस तरह का है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि क्या वो कंटेंट आपके लिए रिलेवेंट है, क्या आपके चैनल के ब्रांड बिल्डिंग में या फिर जो चैनल के मेन पर्पस है उसको वो फुलफिल कर रहा है, उसके साथ टैली कर रहा है। तो इन चीज़ों को देख के आप पता लगा सकते हो कि वो कंटेंट कितना रिलेवेंट है या रिलेवेंट नहीं है। फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या उस कंटेंट में कुछ इश्यूज हैं, इश्यूज जैसे कि कॉपीराइटेड क्लेम्स, या फिर अपने सपोज उस कंटेंट में ऐसा किसी चीज़ का यूज़ किया है जो कि डुप्लीकेटेड है, मतलब किसी दूसरे जगह से आपने यूज़ किया है जिसमें अभी तो कुछ क्लेम नहीं आया है लेकिन फ्यूचर में आने का चांसेस है। तो इन चीज़ों को भी देख के आप पता लगा सकते हो कि उस वीडियो में कुछ इश्यूज हैं या फिर कुछ इश्यूज आने का चांसेस है या नहीं। एक बार अपने कंटेंट्स को सेग्रीगेट करने के बाद आप ऐसे कंटेंट जिसमें अभी भी पोटेंशियल है उसमें यूट्यूब के नए नए जो चेंजेस है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि टाइटल को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से लिख सकते हैं, टैग्स को चेंज कर सकते हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अगर उस कंटेंट में अच्छे थंबनेल्स का यूज़ नहीं किया गया है तो आप डेफिनेटली उसको चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद आप उन कंटेंट्स को अपने नए वीडियोज़ में आप प्रमोट कर सकते हैं, मतलब जो लास्ट एंड स्क्रीन हो गया या फिर आप जो कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं उसमें आप ऐसे कंटेंट्स को आप प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप क्या होगा, आपका जो एग्जिस्टिंग कंटेंट्स है उसका आप फुल बेनिफिट उठा पाएंगे या फिर उन कंटेंट्स को यूज़ करके आप अभी भी व्यूज़ या फिर सब्सक्राइबर्स गेन कर पाएंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो ओल्ड वीडियोज़ है उसमें डेफिनेटली आप थंबनेल्स को चेंज कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन जो मेटा डेटा है मतलब जो टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया या फिर टैग्स हो गया उसको आप ज़्यादा चेंज नहीं करें, क्योंकि अगर आप मेटा डेटा को चेंज करते हो तो YouTube उस वीडियो को एक नया वीडियो की तरह ट्रीट करता है या फिर उसको रीवैलिडेट करता है। वो रीवैलिडेशन आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है या फिर आपको नेगेटिवली भी इंपैक्ट कर सकता है, तो इसीलिए प्रिफरेबली आप उसको नहीं करें। जो मतलब वीडियो आपका अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर रहा है उसमें आप इन मेटाडेटा को टच नहीं करें, हाँ लेकिन आप थंबनेल को डेफिनेटली चेंज करें, उसको इम्प्रूव करें, और जिस वीडियो में आपको लग रहा है कि उसमें व्यूज़ अभी भी नहीं आ रहे हैं फिर या आना चाहिए उसमें आप मेटाडेटा का चेंज कर सकते हो, या फिर ये रिस्क उठा सकते हो कि यूट्यूब उसको रीवैलिडेट करे और उसको
नया करके उसको पोजिशनिंग करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।